द्वारका जिला पुलिस ने उत्तम नगर में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकली शोभा यात्रा में ऐसे पुख्ता इंतजाम पेश किए कि जिसको देखकर हर कोई पुलिस प्रशासन के इंतजामों की दाद देने लगा। आपको बता दें कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने संयुक्त रूप से भगवान हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया। कई किलोमीटर लंबी इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ शामिल हुए, लेकिन कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए इस शोभा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की कमान खुद जिले के कप्तान डीसीपी शंकर चौधरी ने संभाल रखी थी और इतना वृहद पैमाने पर इंतजाम किया गया कि हर कोई इस बात को लेकर प्रसन्न था कि सभी तरह से पुख्ता इंतजाम लेकर डीसीपी शंकर चौधरी लोगों के बीच है और पूरी तरह से वो शोभा यात्रा के दौरान पैदल चलते हुए नजर आए और आगे बढ़कर शोभा यात्रा को लीड करते हुए उन्होंने सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचाकर ही दम लिया। आपको बता दें कि रास्ते में इस दौरान कई जगह दूसरे समुदायों ने भी इस शोभा यात्रा का स्वागत किया और जिस तरह पूरी तैयारी करके दोनों समुदायों से बात करके डीसीपी शंकर चौधरी ने इस शोभा यात्रा का नेतृत्व किया और इसे सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचाया, वो अपने आप में एक मिसाल है और दर्शाती है कि काम करने की क्षमता हो तो अच्छे उदाहरण पेश किए जा सकते हैं। और यात्रा समापन के मौके पर मंच से डीसीपी शंकर चौधरी का शोभा यात्रा आयोजित करने वाले सभी नेताओं ने धन्यवाद दिया और मौके पर देखा गया कि छोटे बच्चों ने भी डीसीपी शंकर चौधरी को अपना आइडियल मानते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाई। बच्चों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि वो भी बड़े होकर डीसीपी शंकर चौधरी की ही तरह पुलिस में रहकर देश की सेवा करना चाहते हैं। सर आज विशाल जुलूस निकाला गया, चुनौतीपूर्ण मानते हैं, शांतिपूर्वक रहा पूरा? चुनौती बहुत ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि इसकी तैयारी हमने पिछले 2-3 दिनों में कर ली थी। अमन कमेटी मीटिंग की जो तैयारी थी वो कर लिया गया था। इस बार हमने अमन कमेटी मीटिंग में एक नया प्रयास किया था कि सिर्फ शांतिपूर्वक ना दिखे, ये भी इंश्योर हो कि जो हमारे समाज में सामुदायिक जो सौहार्द है जो दिख सकता है वो ऐसे शोभा यात्रा या किसी भी ऐसे तरीके की यात्रा में दिखे। और वो जो मैंने आज देखा पूरे रूट में वो अद्भुत था, अभूतपूर्व था। अलग अलग समुदाय के लोग एक दूसरे को केला और पानी बांटते हुए मिले। मैं अपने दिल्ली पुलिस के जवानों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, तमाम ज़िले की पुलिस, चूँकि कल एक छोटी सी अप्रिय घटना हुई थी कहीं पर, तो हम लोग सीनियर अफसरों के निर्देश में और आदेश में हम लोगों ने बहुत तैयारी कर रखी थी। रूफ टॉप अरेंजमेंट्स था, इंटायर रूट को लाइनअप किया गया था, पहले से बातचीत की गई थी और लंबा प्रोसेशन रहा, 3-4 घंटे का रहा, मगर बहुत शांतिपूर्वक निकला और बहुत खुशी का माहौल था। एक बार सभी लोगों को, मेरे जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। इस सफल इंतजाम के लिए डीसीपी शंकर चौधरी ने अपने तमाम पुलिसकर्मी और सहयोगी और सामुदायिक लोगों का धन्यवाद दिया। आज वक्त की मांग है कि ऐसे तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों को और ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाएं, जिससे वो और ज्यादा बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा कर सके। सटीक अनुशासन और एक कुशल प्रशासन की जो नजीर डीसीपी शंकर चौधरी ने पेश की है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा और गुलशन सैफी की रिपोर्ट।